Hare Krishna. Oh my God, the Miram Dasa Surya. Jana Janatalaya. Sexo Ramilitam Jena. Tasmai Sri Gurave Nama. Gurave Gaura Chandraya. Radhika Istadale. Krishnaya Krishna Bhaktaya. Tadbhaktaya namo namo vancha kalpatarubhasya kripa sindhu bhaivacha patitanam pavanebho vaisnavebho namo namo namaha vadanyaya krishna prema pradayate krishnaya krishna chaitanya namne gauratu se namah. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तत्र कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्त देवी प्रणमामि हरे प्रिय वृंदाई तुलसी से कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवती नमो नम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाधि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म चितलिंगा प्रकृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्री मात भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्री माधुभक्ति वेदांत श्रीलोक नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी कुछ दिन बाद में श्री नवद्वीप धाम का परिक्रमा है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, मैं यहाँ पर जब तक हूँ कोशिश करेंगे महाप्रभु का धाम महाप्रभु की कथा परिक्रमा करने का क्या महत्व है हम इसी विषय पर हम श्रवण करें। ठीक है, कल श्री जो नवद्वीप धाम जो परिक्रमा है ये शंकर जी पार्वती को कहते हैं। बोले पार्वती पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, कितना तीर्थ भारत में आपको पता होगा, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारावती गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ द्वारका रामेश्वर गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गया गंगा प्रभास पुष्कर सेतुबंध रामेश्वर मान सरोवर कैलाश कभी पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है। शंकर जी कह रहे पार्वती, बोल पार्वती ये बात पर विश्वास होना बड़ा कठिन है, कभी पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ अगर कोई करोड़ बार कोई परिक्रमा करे करोड़ बार कोई यह सारे तीर्थ को दर्शन करे उसमें जो पुण्य की प्राप्ति होगी उससे करोड़ गुण ज्यादा पुण्य मिलेगी जो व्यक्ति श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा करे। एक बार अगर कोई नवद्वीप धाम परिक्रमा कर ले उससे करोड़ गुण ज्यादा पुण्य श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का। इसलिए आप लोग नवद्वीप गए होंगे, वहीं पर श्री गंगा सागर है,
वहीं पर त्रिवेणी है, वहीं पर अलकानंदा है, वहीं पर पंचपेणी, वहीं पर है पंचपेणी, वहीं पर एक साथ में गंगा जमुना की धार। जब हम नवद्वीप परिक्रमा करते करते जब मायापुर जाते हैं, देखना एक तरफ में गंगा बह रही है और एक तरफ में ये जमुना नदी, एक साथ एकदम स्पष्ट रूप में वहीं पर देखने को मिलेगा। कैसे एक साथ में गंगा जमुना सरस्वती तीनों कैसे एक साथ में प्रवाहित हो रही है। इसलिए नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार्षद सियो धाम सह अवतारी आजात परिक्रमा को लेकर के आते हैं। जैसे कोई रामलीला हो, जैसे कोई कृष्ण लीला हो, पर कहीं जाकर के जब लोग ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, उसमें वो अकेले में नहीं जाते। जिसमें अगर रामलीला होगा तो पहले राम जाएगा, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, पहले वो लोग सबके सब ट्रेनिंग लेते हैं। राम कौन बनेगा, सीता कौन बनेगी, भरत कौन बनेगा, शत्रुघ्न, पहले सबके सब ट्रेनिंग लेते हैं। वो जिसको जैसे ट्रेनिंग दिया जाता है ना, वो ठीक वैसे जा करके वो लीला करते हैं। उसी तरह जब इसी जगत में श्रीमद् महाप्रभु आते हैं, वो ऐसे नहीं आ जाते हैं ठाकुर जी, कि तो अपना धाम और पूरा परिक्रम को समय उसी जगत से यहाँ पर पूरा पूरा वहाँ से यहाँ पर पूरा पूरा धाम को उतार देते, पूरा धाम समेत ठाकुर जी आते हैं। इसलिए जिस जो नवद्वीप धाम है, ये नवद्वीप धाम है क्या चीज, ये नवद्वीप धाम है क्या चीज, बल्कि नवद्वीप धाम नहीं, कि जो नवविधा जो भक्ति है, हैं? जिस समय हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को पूछे, प्रह्लाद ये बताओ, तुमको जो हमने गुरुकुल में पढ़ाने के लिए सीखा था, तुम गुरु जी ने सारे विद्याओं में जो उत्तम विद्या बताओ वो बताओ, सारे विद्या में जो उत्तम विद्या है वो उत्तम विद्या तुम बताओ। इतने में प्रह्लाद सोच रहे हैं, मेरे गुरु तो ये संध्या मर गए है? मेरे गुरु तो नारद है, जब माँ के पेट में था उसी समय नारद जी ने मेरे को उपलक्ष्य करके उनने कथा सुना है, माँ तो स्त्री थी वो भूल गई, लेकिन मैं पेट में था, पेट में बैठ बैठ कर सारी कथा को मैंने सुन देखी, मेरे गुरु तो नारद है। अभी नारद जी ने हमें कौन सा विद्या नारद जी ने शिक्षा दिया, तब श्री प्रह्लाद महाराज कहते हैं, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्म निवेदनम इति वंशार्पिता विष्णु भक्तिश्चेदनात्मलक्षणा क्रियते भगवत अध्यात्मने दीतमुत्तम। बोले पिताजी, ये जितने सारे विद्याओं में हैं, जितने सारे विद्याओं में जो सर्वश्रेष्ठ विद्या है वो कौन सा विद्या है? बोले पहले गुरु जी के चरण में शरणागत होकर के, पहले
ठाकुर जी के चरण में पहले शरणागत हो जाओ। शरणागत हो करके ये सारे विद्याओं को जाचन करनी चाहिए। वह शरणागत होकर मतलब क्या है, जैसे किसी गैया को जब हम किसको बेच देते हैं ना, जिसको बेच देते हैं वो उसका ही हो जाता है, वो गैया की कोई अस्तित्व नहीं रहती। अगर खुंटा में बांध कर रखती तो उसको वही रहना पड़ेगा, खाना देगी तो खाएगी, नहीं देगी तो नहीं खाएगी। और वैसे ही क्योंकि उसको हम बेच दिया है, क्योंकि उसी तरह जब ठाकुर जी गुरु जी की चरण में हम शरणागत हो जाते हैं, उसी समय अपना कोई अस्तित्व नहीं रहनी चाहिए। जैसे गुरु जी वैष्णव और श्री ठाकुर जी बोले वैसे ही हमें करनी चाहिए। इसलिए पहले आत्मसमर्पण करनी चाहिए। आत्मसमर्पण करके ठाकुर जी आज से मैं आपका हूँ और आप हमारे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला आमी तो तुमार तुमी तो अमार की काज अपरतर, मतलब है मैं तुम्हारा और आप मेरे हूँ। जब मैं तुम्हारा आप मेरे हो फिर दूसरे काम में हमारा क्या मतलब है, दुनिया में और कोई नहीं आप ही और मैं हूँ। अभी हम जो कुछ करेंगे हम तेरे लिए ही, सब कुछ मैं तेरे लिए ही करूँगा, दूसरे के लिए कुछ करूँगा नहीं। इसलिए पहले ठाकुर जी के चरण में संपूर्ण शरणागत हो जाओ। जब हम ठाकुर जी के चरण में बेच गए, गुरु जी के चरण में बिक गए, फिर अपना कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। अभी जो कुछ करेंगे गुरु जी और वैष्णव और भगवान के लिए ही करेंगे। इसलिए पहले समर्पित होकर के क्या करनी चाहिए, बोले श्रवणम, कि नव विद्या भक्ति की उन्होंने बात बताई, बोले जितने विद्याओं में जो सर्वश्रेष्ठ विद्या है ये नौ तरह का भक्ति है, ये नौ तरह का भक्ति। कहते नौ तरह का भक्ति में सबको करना छोड़ दो, अगर इसका एक भक्ति कोई जाचन कर ले, केवल एक भक्ति कोई निष्ठा पूर्वक कर ले ना, बस भगवत प्राप्त हो जाए। इसलिए बोले निष्ठा है ते ऊपर जाए प्रेम कर लो, एक अंग साधे कोई साधे बहु अंग, कोई एक अंग जाचन करता है, कोई बहु भक्ति का अंग जाचन करता है, लेकिन प्रेम कैसे प्रकट होगा, बोले निष्ठा से, निष्ठा होनी चाहिए। है जैसे प्रथम जो भक्ति है बोले श्रवणम, पहला भक्ति श्रवण भक्ति, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तुम्हारे जो कीर्तन है ना, फिर कीर्तन परफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई कथा सुने नहीं, बोलेगा नहीं हम कथा सुनाएंगे, भैया जब तुम सुना ही नहीं, फिर सुना भी क्या। इसलिए जिसका सुनना जितना परफेक्ट होता है उसको सुनाना भी वैसे परफेक्ट होगा। इसलिए पहला जो भक्ति का अंग है श्रवणम, पहले अच्छे तरह से सुनो गुरु वैष्णव, है पहले अच्छे तरह से सुनो। पहला भक्ति होगा श्रवणम, दूसरा बोले कीर्तन, उसके बाद में फिर कीर्तन करो, है उसके बाद में श्रवण कीर्तनम पाद सेवनम, ठाकुर जी की चरण की सेवा, फिर अर्चनम ठाकुर का जो सेवा पूजा करते हैं, फिर वंदनम, फिर पाद सेवनम, है। इसलिए कहते जो नव विद्या भक्ति में कहते एक एक भक्ति का अंग याचन करते हुए एक एक भक्त भगवत प्राप्त किया। बोले श्रवण करते करते बताओ किसने भगवान को प्राप्त किया, केवल कथा सुनते सुनते, कौन बोले परीक्षित महाराज, उन्होंने और कुछ नहीं किया, केवल एक जगह पर बैठ करके उन्होंने केवल कथा को सुने, मन लगा कर कथा सुन। और जो है ना कथा सुनते 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 जब कथा समाप्त हो गई, गोलोक वृंदावन से रथ आया, परीक्षित महाराज बड़े सुंदर एक गोपी स्वरूप धारण किया और रथ में बैठा हो सीखा, गोलोक वृंदावन राधा रानी सभी का बन कर चले गए, उन्होंने और कुछ नहीं किया। इसलिए जितने भक्ति अंदर ना बताया जो श्रवण जो है ना वो बड़ा उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है श्रवण है। लगता है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, नहीं बहुत कुछ कर रहे हो। कहते साधन किसको कहते हैं, बोले साधन उसे कहते हैं पूरा एक मन से मन प्राण चित्त को संपूर्ण उनमें निवेश कर देना, यही साधन है। आप देखना कभी भी आप जब करते हो मन इधर उधर भटकते हो, लेकिन जैसे आप एक घंटा बैठ कर कथा सुनो ना, देखना मन उसमें डूबा गया, और जिसकी कथा सुन रहे हो उसका ही चिंतन कर रहे हो, उसका ही चिंतन कर रहे हो। इसलिए पहला भक्ति का अंग बताया श्रवण, उसके बाद में कीर्तन, कीर्तन के द्वारा किसने भगवत प्राप्ति की,
कीर्तन को द्वारा किसने भगवत प्राप्ति की? बोला बोला श्री सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक उन्होंने अपना मुंह ही नहीं खोले, 16 साल तक तो मौन रहे, मुंह ही नहीं खोले। लेकिन जब उन्होंने एक बार मुंह खोला ना, 7 दिन तक मुंह बंद ही नहीं। भगवान की कथा में इतना आनंद, भगवत कथा में इतने रस है, उन्होंने 7 दिन तक मुंह ही बंद नहीं किया। खोला तो 7 दिन तो कंटिन्यू, जैसे हम लोग कथा सुनते हैं उस समय कथा ऐसे नहीं हुई, कथा ऐसे नहीं हुई। पूरा 7 दिन तक पेशाब करना बंद, पायखाना करना बंद, खाना बंद, पीना बंद। पहले लोगों के अंदर में सामर्थ्य था, पहले लोगों के अंदर में सामर्थ्य था, एक जगह पर बैठ करके पूरा पूरा रात दिन मिला करके 7 दिन तक पूरा ही पूरा उन्होंने कथा बोलते रहे, और सुनने वाले भी बस कथा सुनते रहे, कथा सुनते रहे। इसलिए जब जब नवम स्कंद शुरू हो गया, तब श्री सुखदेव गोस्वामी उन्होंने कथा को बंद कर दिया, उन्होंने एक श्लोक को बोल कर कथा बंद कर दिया। जो एक श्लोक को बोले, कृष्ण कैसे मथुरा में कंस गारागार में प्रकट हुए, कैसे गोकुल में गए, उतना अघासुर बकासुर कैसे मारे, उसके बाद में कृष्ण कैसे गिरिराज उठाया, कैसे रास रचाए, मथुरा गए, कंस कुमारी द्वारका गए, 16,108 पटरानियों से शादी किया, सबसे 10-10 बेटे एक एक बेटी हुई, और ब्राह्मण का अभिशाप लिया, और प्रभास क्षेत्र में अंत्यलीला को समाप्त करके अपना धाम को चले गए। बोले श्री वृंदावन की हरि लाल की जय। इतना बोल कर ना बंद कर दिया कथा को, एकदम कथा बंद कर दी। परीक्षित महाराज तो ऐसे से देखने लगे, क्या कथा हो गई, बोले पूरी बोल दिया, कृष्ण का जन्म से लेकर के अंत में तक पूरी हो गया ना कथा। बोले भैया मैं तो कृष्ण कथा के लिए केवल बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे कुल देवता है, गर्भ में उन्होंने ही मेरे रक्षा की। अब तो जैसे अगस्त ऋषि ने एक चूल भर में पूरा तो पूरा उन्होंने समुद्र पानी को पी लिया, अब तो एक श्लोक में सारी कथा खत्म कर दी है। बोले मुझे तो संतुष्ट नहीं मिली, मैं तो चाहता हूँ विस्तृत रूप में अभी कृष्ण कथा सुनाओ एकदम बढ़िया से। फिर तो उन्होंने तीन दिन तक उन्होंने और उन्होंने कृष्ण 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 पूरा कृष्ण कथा उन्होंने सुनाया है। इसलिए उन्होंने 7 दिन तक मुंह बंद नहीं किया। इसलिए कहते श्रोता को जो फल मिलता है ना, वक्ता को डबल फल मिलता है। कहते सुनने वालों को जितने फल जो बोलता है उसका डबल फल। बोले क्यों? जैसे आप कथा सुन रहे हो, बैठ कर यहाँ पर मुंडी तो हिला रहे शरीर में बैठ, लेकिन अगर कोई घर को बाद में सोचता हुआ होगा, अरे पति तो नहीं आ गया, बच्चा को खाना मिला कि नहीं है, बच्चे को खाना मिला कि नहीं, हमारे घर में क्या हो रहा है। लेकिन भले ही यहाँ पर बैठे हुए हो, लेकिन मन क्या, अगर घर में हो लेकिन बैठने पर काम चलेगा। लेकिन जो बोलता है ना, वो एक सेकंड के लिए मन को इधर उधर नहीं दे सकता है, वो तेरे पर जो बोलना चाह रहा है वो खुल जाएगी, बोल नहीं सकता है, उसको पूरा उसमें आविष्ट होना पड़ता है, फिर जाकर के कोई कुछ बोल सकता है, उसमें बड़ा आविष्ट रह जाएगी। इसलिए विश्वनाथ चौटा कहते हैं श्रोता से जो भक्ता है उनको डबल फल ये भक्ता को प्राप्त होता है, उतने उसमें इतने आविष्टता होना पड़ता है, है? इसलिए किसी चीज को हजम करेगा तो जा करके कोई कुछ चीज को बोल सकता है। इसलिए कहते कीर्तन के द्वारा किसने भगवत प्राप्त की? बोले श्री सुखदेव गोस्वामी। बोले स्मरण के द्वारा कौन प्राप्त किया? प्रहलाद महाराज ने, केवल उन्होंने भगवत स्मरण करते 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 उसका स्मरण का आचार्य श्री प्रहलाद महाराज को स्मरण का आचार्य बताया गया। बोले पाद सबन के द्वारा श्री लक्ष्मी जी, और कुछ नहीं। अब देखना दिन भर नारायण का चरण को लेकर लक्ष्मी बैठे, मान लक्ष्मी को कहीं छोड़ना नहीं चाहती, लक्ष्मी नारायण को कहीं छोड़ना नहीं चाहती, हर समय मेरे गोद में अपना प्यार दे दो, दिन भर चरण की मैं सेवा करती रहूंगी, अब कहीं मर जाएगा। इसलिए आप देखना कि मूर्ति देखना आनंद नाग पर ठाकुर सही ने की हुई है, माँ लक्ष्मी बास ठाकुर जी के चरण को लिए हुए गोद में, और दिन भर चरण की वो उन्हीं सेवा रस को वो आस्वादन कर रहे,
पाद से बने बोले अर्चन में अर्चन में बोलो किसने प्राप्त की श्री पृथ्वी महाराज इसलिए पृथ्वी महाराज जी ये अर्चन में प्राप्त किया है अर्चन मतलब क्या जो ठाकुर को जो सेवा पूजा करते हैं ठाकुर को स्नान कराना उनको पूजा करना उनको खिलाना मंदिर साफ करना इन्होंने सारा दिन प्रभु जी की अर्चन सेवा में उसमें आविष्ट हो जाते हमारे एक भक्ति प्रमोद बोली गोस्वामी महाराज जी जब वो अर्चन में बैठते ना तीन तीन चार चार घंटा रोज ठाकुर जी को है रोज ठाकुर जी को राधा कृष्ण महाप्रभु लेकर के उसी में पूरा उसमें मन को आविष्ट करते थे पूरा बैठ कर तीन तीन चार चार घंटा बैठ करके ठाकुर जी को पूरा अर्चन में पूरा डूब जाते हैं अर्चन में चलिए कभी कभी हाँ कभी कभी अर्चन इसलिए ठाकुर जी कलयुग में अर्चन रूप में आए ठाकुर किस रूप में आए अर्चन रूप में अर्चन रूप में बोले अर्चन रूप में क्यों आए कारण क्या बोले कारण है कलयुग में भगवान विशेषकर दो रूप में एक नाम रूप में आए और एक अर्चन रूप में आए इसलिए महाप्रभु अपना मां को बोले बोले मां कलयुग में मैं और दो रूप में कलयुग में मैं अवतरित हूँ बोले दो रूप में कैसे बोले एक नाम रूप में आऊंगा और एक अर्चा विग्रह रूप में मैं आऊंगा देखो ठाकुर को दर्शन करना कितना दुर्लभ है कितना शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश निरंतर हाँ जिसको पाने के लिए बोले यद्यपि समाधि विधिरपि पश्यति न तव न खादति बोले बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी लोग जिस ब्रह्मा जी की भगवान की चरण को स्मरण करते करते चरण की नख की छटा तक को भी दर्शन नहीं कर पाते इतना दुर्लभ है ठाकुर जी नारद जी को भगवान को प्रसाद पाने के लिए कितने हजार साल तक लक्ष्मी की चरण सेवा की एक बार कबर ठाकुर जी को कोई प्रसाद मिला लेकिन आप देखो कलयुग में ठाकुर जी कितने सुलभ है जिस भगवान को देखना कठिन है देखो जब इच्छा ठाकुर का दर्शन कर सकते ठाकुर का दर्शन हो रहा है ठाकुर का दर्शन हो रहा है और जब इच्छा मंगला आरती में आ जाते हो दोपहर आरती में संध्या आरती में जब इच्छा ठाकुर का दर्शन कर इतना नहीं तुम्हारे घर में भी गोपाल होगा राधा कृष्ण होंगे जब इच्छा ठाकुर का दर्शन कर लो फिर हाथ मुँह पर रख कर स्नान कराते हो उसको पोछा लगाते हो फिर तिलक करते हो तो ठाकुर जी कितने कलयुग में सुलभ है तुम्हारे हाथ के लड्डू बन गए तुम्हारे हाथ में आ गए ठाकुर जी घर में जब इच्छा ठाकुर को पूजा सेवा ठाकुर जी करो और ठाकुर जी के दर्शन करते हो मतलब कलयुग में ठाकुर जी कितने कितने सुलभ ठाकुर जी हो गए जब इच्छा ठाकुर को भोग लगाओ तुलसी पत्ते से और भगवान के प्रसाद को पाओ जब इच्छा तब ठाकुर को प्रसाद पाओ दर्शन करो आरती उतारो पूजा करो और ठाकुर जी कलयुग में ऐसे है ना मतलब जो विग्रह रूप मतलब होता है विशेष रूप में भक्तों को सेवा को ग्रहण करना विग्रह मतलब होता है भी मतलब विशेष पूर्वक ग्रह मतलब होता है जो हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं जैसे देखो जैसे ठाकुर जी सब कुछ है लेकिन तभी ठाकुर बोल नहीं रहे क्यों बोलने पर फिर गड़बड़ क्यों जैसे गर्मी का समय लाइट चली गई रात को समझे लाइट चली गई आप तो खुद को खुद किसी तरह से इन्वर्टर लगा दिया नहीं तो हवा कर सकते हो अगर ठाकुर जी बोले भैया गर्मी लग रहा है थोड़ा पंखा लग रहा है थोड़ा बोले हवा अगर एक रात अगर ठाकुर जी हवा करें तो ठाकुर जी चले जाए रात भरे की वजह से नींद नहीं है ठाकुर हैं ठाकुर जी बोले भैया मेरे को भूख लग रहा है थोड़ा तो मुझे खिला दो ठाकुर जी बोले मेरे को कमर दर्द कर रहे थे तैयार दो अगर ठाकुर जी बोलने मिल जाए ना बोले भैया कब ये ठाकुर जी जाएगा ये कब जाए तो परेशान कर दिए इसलिए ठाकुर जी इतने दयालु ठाकुर जी इतने दयालु ठाकुर जी सब कुछ देखते सुनते जानते हुए भी ठाकुर जी वैसे बैठे हुए जब इच्छा खिला दो जब इच्छा सुला दो जब इच्छा ठाकुर जी हवा कर दो ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते इसलिए इतना विग्रह है मतलब जो विशेष पूर्वक हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं और हमारी कल्याण करते हैं ठाकुर जी हमारी कल्याण करते हैं ठाकुर जी इसलिए यहाँ पर जो अर्चन का जो पूजा है ये किसने प्राप्त किया था अर्चन को द्वारा बोला श्री पृथ्वी महाराज जी ने भगवत प्राप्त किया बोले बंधन के द्वारा किसने प्राप्त किया श्री अक्रूर जी प्रार्थना किया है बोले किस समय
बोले जिस समय कृष्ण बलराम को लेकर के हैं, जिस समय कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी मथुरा से आए, था पर नंदगांव में आए, जब नंदगांव में आए वहां पर देखा ठाकुर जी के सुंदर सुंदर चरण छापरा, बड़े सुंदर सुंदर, जिसमें ध्वज वज्र अंकुश पातक पतक, बड़े सुंदर सुंदर उसमें है, बड़ी प्यारी प्यारी ठाकुर का चरण का छाप पड़ा हुआ था उसमें। इसलिए उन्होंने वो चरण छाप को देख करके ना उसको पर उन्हें लोट कोट खाने लग गए, उसको लोट कोट खाने लग गए चरण फुली को ऊपर में। बोले मेरे जीवन धन्य हो गया है, ठाकुर जी को देखकर कितने सुंदर सुंदर चरण चिन्ह है, कितने सुंदर सुंदर ठाकुर की चरण चिन्ह है। इसलिए कहते वंदन को तरह से अक्रूर जी भगवत प्राप्त किया। पहले दास्य को द्वारा हनुमान जी दास्य रस को द्वारा उन्होंने भगवत प्राप्त किया। आप जानते हो कहते ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसलिए हनुमान जी दास्य रस में श्री गुरुदेव का दर्शन करते थे। एक समय क्या हुआ, हनुमान जी कई से उनका दास्यता है। एक दिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता चार ने मीटिंग किया। बोले ये बंदर हमारे सारे सेवा को दिन भर प्रभु का पास ही नहीं छोड़ रहा है, हर समय प्रभु को पास ही नहीं है, प्रभु को छोड़ता नहीं। कोई सेवा हो ना, कोई सेवा हो तो ठाकुर जी बोलने से पहले भाग कर लेता है, क्योंकि हनुमान जी उत्तम सेवक, हनुमान जी उत्तम सेवक इसको कहते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं तीन तरह का सेवक है, एक उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ। उत्तम सेवक उसे कहते हैं बोलने से पहले जो मन की भावना को समझ करके जो कर ले, कहते हैं उत्तम सेवक है। कहते मध्यम सेवक क्या है, बोलने पर बड़े आदर पूर्वक जो सेवा करे, कहते मध्यम सेवक है। बोले कनिष्ठ सेवक कौन है, बोलने पर करेगा तो हाँ वो करेगा तो, लेकिन बोले देखो गुरु जी बोलते थे जाओ तो वो व्यक्ति को ये खबर दे करके आ जा। बोले गुरुदेव अगर वहाँ जाए अगर मिले नहीं तो अरे वापस आना पड़ेगा। इसको कहते भ्रमर कहते, भ्रमर जैसे देखना गुण 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 करता ना भ्रमर देखना। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे बोले जाओ तो ये चीज कर देख करे क्या, बोले वहां पर मिले नहीं तो फिर क्या होगा, फिर क्यों जाओ, बेकार जाओगा है, गुण गुण ये काम तो कर दो, अगर नहीं हो तो फिर क्या होगा, तरह तरह इसमें प्रश्न करते हैं। और कहते तीर बाण, मतलब बाण मतलब क्या, गुरुदेव कोई आदेश दे रहे थे वो पूरा सुना ही नहीं, पूरा सुना नहीं, बस भाग करके चले गए। बोले भैया गुरुदेव को क्या बोल रहे थे, हमने सुना ही नहीं, भाग कर से आ गया फिर वापस आता है। बोले गुरुदेव आप क्या बोल रहे थे, बोले यही थे चक्कर तेरे बोलने से पहले तो बात किया। इसमें पांच ना कितने तरह का सेवक होता है, इसलिए करते तो है लेकिन खिंचाता नहीं करके किस तरह से। बोले अधम कौन है, तो गुरुदेव बोलते सेवक, अधम वह है सेवक से सेव निकाल तो रह जाएगा बगला सेवक है। हनुमान जी ये उत्तम सेवक थे, क्यों उत्तम सेवक कौन है, जो मन की भावना को देखकर कर लेते हैं। अभी तीनों चारों ने मीटिंग किया, बोले ये बंदर बोलने से पहले दिन भर तो पास में रहता है, बोलने से पहले भाग करके सेवा कर लेता है। देखो जो सेवा है ना, सेवा है, इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख भय मने, आमी तो तुमार तुमी तो हमार पिता जहा पर रहे। भक्त ठाकुर करे इसका मतलब है जो निष्कपट होकर अगर ठाकुर को सेवा करेंगे ना, निष्कपट होकर ठाकुर को सेवा करेंगे इतने आनंद है कि पूर्व इतिहास भूलिनु सकल। बोले हे प्रभु पहले का जो हमारी स्मरण है, जैसे घर का परिवार का, हम सबके सब घर में रहे परिवार में रहे, लेकिन कहते ठाकुर को सेवा में इतना आनंद है हमने सारे पूर्व इतिहास माना भूल चुका है। सेवा सुख पेय मनी,
है सेवा सुख भयमनी, जैसे राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है, लेकिन कृष्ण को जितने आनंद प्राप्त होती है उससे कहते करोड़ गुण ज्यादा आनंद प्राप्त होता है राधा रानी सेवा में। इतना आनंद कलयुग में कृष्ण क्यों आए, यही तो कृष्ण सोच रहे हैं, राधा रानी मेरी सेवा करती मेरे को देख करके आनंद मिलती है, लेकिन मुझे जितना आनंद है राधा जी को करोड़ गुण, एक दो गुण नहीं करोड़ गुण ज्यादा आनंद मिलती है। उदाहरण दिया, जैसे आपने कोई खाना बनाया बहुत एकदम दिल लगा के खाना बनाया, आपने कोई श्रेष्ठ व्यक्ति को खिलाया, पति को नहीं तो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति को खिलाया, किसी ने अंगुल चाट चाट कर खाए और इतने तारीफ किया, बोले वाह तुमने क्या आज खाना बनाया है, क्या आज तुमने बनाया, लगता है खाला चाट करके नहीं तो अंगुल काट कर खा ले। अगर कोई बोले हम देखना जो व्यक्ति बनाता है ना उसका दिल, अरे आज हमने हाँ आज हम इतने सुंदर खाना बनाए, इतने सुंदर खाना मैंने प्रसन्न हो गए गुरु वैष्णव ने कर, पति वो बड़ी इतनी खुश हो गए। आप देखना जो खाया उसको जो आनंद मिलेगा ना, जो वो पंचमुख में तुम्हारी प्रशंसा करेगा तो दिल एकदम ताना सीना गुप्ता हो जाएगा, गुप्ता हो जाएगा, खुद खुश हो जाओ। कहते उसी तरह जो सेवा है ना, सेवा ऐसे की चीज है, अगर आप दिल लगाकर ठाकुर को सेवा करो, सही से ठाकुर को सेवा करो, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु एक सिद्धांत रत्न है, एक ग्रंथ भी है, एक सिद्धांत रत्न ग्रंथ, वो ग्रंथ में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ये बात बोलते हैं। कहते भैया जो सेवा करता दिन भर तो सेवा करता है उसको आनंद क्या मिलेगा, जिसको तो सेवा करता है वो खुश होगा, जो सेवा करता है उसको आनंद क्या मिलेगा, तब वहां पर व्याख्या करते हुए नहीं, जो सेव्य वस्तु जब संतुष्ट हो जाते हैं भगवान हृदय में दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए नहीं तो हनुमान जी को स्वयं शंकर जी, हनुमान जी स्वयं शंकर जी, हनुमान जी को साधारण व्यक्ति नहीं, सत्यम शिवम सुंदर। लेकिन देखो दिन भर प्रभु की राम की सेवा के बगैर कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए श्री हनुमान जी कहते मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं कौन हूँ ठाकुर जी का, मैं सेवक हूँ और रघुपति मेरे पति है, ये भाव ना चाहे भव भाई, कभी भावना कभी भी मेरे हृदय से नहीं आए, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सेवा में बड़ा आनंद है, अगर निष्कपट होकर सेवा करेंगे ना उसमें अनंत आनंद मिलता है, निष्कपट होकर जब हम सेवा करेंगे श्री ठाकुर जी की। इसलिए यहाँ पर हनुमान जी जैसे प्रभु राम बैठे हुए अपना पूछ से ठाकुर जी को बड़े सुंदर छाया करते थे ठाकुर जी को, कहीं अगर राम को जाना हनुमान जी क्या करते हैं, प्रभु राम को कंधे पर बैठा लेके बैठा करके उड़ते हुए ले जाते हैं, ठाकुर जी को उड़ाते हुए ले जाते हैं, कहीं मैसेज भेजना कुछ भी करना देखना, पूरी की पूरी सेवा हनुमान जी दिन भर प्रभु की सेवा में दिन भर लगे हुए रहते हैं। इसलिए कहते हैं दास्य, उसके बाद में बोले सख्य है, बताओ सख्य रस में कौन है, कौन है अर्जुन जी, सख्य रस में श्री अर्जुन है, कृष्ण की ये सखा है, इसलिए कृष्ण की ये सखा है, इतने इनके साथ में सख्य रस है, एक साथ में खाना, एक साथ में बैठना, एक साथ में सोना। इसलिए नारद जब द्वारका जब वहां पर हस्तिनापुर में पहुंचे, देखा इनके अंदर में कितने सख्य है, देखा एक बेड के ऊपर भी कृष्ण अर्जुन लेटे हो एक बेड, और कृष्ण का जो प्यार है ना अर्जुन के सर के तरफ में, और अर्जुन का जो प्यार कृष्ण के सर तरफ, दोनों उल्टा सोए हुए, दोनों सोए हुए, और अर्जुन का चरण को कहते लक्ष्मी पलट रही है और कृष्ण चरण को द्रौपदी सेवा कर रही है। और जब नारद जी पहुंचे देखा अर्जुन की उसकी रोम रोम में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 निकल रहा था, इतने में नारद जी वहां पर गए और बिना बजा बजा करके ना बस नृत्य करना शुरू कर दिया, उसने नृत्य करना शुरू कर दिया, बोले देखो कृष्ण अर्जुन का कितने प्यारे हैं, एक बिस्तरा के ऊपर में लेट हुई है, एक बिस्तरा के ऊपर में, और रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा, रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है जिसके रोम रोम से, इतने सख्य है अगर इसलिए इतने सख्य है कृष्ण अर्जुन का, अपना बैगनी की जो शादी है दाऊ भैया ने दुर्योधन से कर दिया था, दुर्योधन अब महाभारत देखेंगे
दुर्योधन श्री बलदेव प्रभु का शिष्य है। गदा युद्ध में एक दिन बलदेव प्रभु को दुर्योधन ही हराते हैं। बोले भैया जितने मेरे शिष्य में तुम सर्वश्रेष्ठ है, अभी तक मेरे को हराने वाले दुनिया में कहीं नहीं रहे। कहा भैया को हराना कैसा कर रखते, बोले तू आज जो मांगोगे ना मैं बहुत दे दूंगा। इतने में सुभद्रा बहुत सुंदरी बीच में कोई बहुत सुंदरी सुभद्रा कृष्ण का बहन है ना, कृष्ण कितने सुंदर है, बहन कितना सुंदर नहीं होगी, वो भी लक्ष्मी अंश में श्री सुभद्रा साधारण नहीं है, भगवान की बहन है, बड़ी प्यारी है। दुर्योधन ने कहा अगर आप मेरे प्रति संतुष्ट है ना, ये सुभद्रा का हाथ तो मेरे हाथ में थमा देना, इसके हाथ मतलब मेरे से शादी करा देना। ताओ भैया भोले वाले नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व वो भोले वाले, तो भोले वाले को कोई बात नहीं करते। घर का बड़े भाई है ना, बड़े भाई जो बोलेगा उसको कोई बात नहीं करेंगे। फिर बड़े सबके सब डरते थे बड़े कोई बात नहीं हम शादी करा देंगे। लेकिन कृष्ण को सब कुछ पता है, कृष्ण को ये तो मरने वाला है, ये गुरु वर्ष तो ध्वस होने वाले, और दुर्योधन एक दुष्ट कपटी है, और एक कपटी व्यक्ति को साथ में मेरी बहन की शादी, फिर मेरे को साले साहब बनना पड़ेगा ना, साले बनना पड़ेगा, और सबका मैं साले साहब थोड़ी बन जाएगा, नहीं सबका मैं साले नहीं बनूंगा, बनूंगा तो मेरे भक्त का साला बनूंगा। है अब पता होगा साला और दामाद कितना प्यार होता है, प्रीति होता है, घर का परामर्श देने वाले साले और कोई नहीं, घर का परामर्श ना साले साहब से लेते, पिता माता से नहीं लेते, अपना अपना कोई परामर्श पिता माता नहीं, साले से परामर्श कलयुग का ही धर्म हो जाएगा, साले से ही परामर्श ले, इसलिए अपना पिता माता से वो लेंगे नहीं परामर्श को, इसलिए बोले साले बनूंगा तो मैं तो अपने भक्तों को बनूंगा ना, इसलिए उन्होंने अर्जुन ना इंगित कर दिया, बोले देख अर्जुन कैसे ऐसे, इसलिए सुभद्रा का हाथ से हाथ बोले आपकी जैसी इच्छा है, बोले मैं तो चाहता हूँ हमारी शादी सुभद्रा से हो, लेकिन दाव भैया को कर दिया बलदेव प्रभु के साथ में, बोले आपको जो आदेश है, बोले एक काम करना तो साधु देश लेकर जाना, और साधु देश लेकर के एकदम अर्जुन तो बड़ी सुंदर थे, और उन्हें पूरा अपना ड्रेस बदला दिया, काफी भाड़ी लगा करके जैसे नाटक करके ना पूरा उसने बुन करके, और आ गए कहाँ पर द्वारका में, आ गए एक जंगल में बैठे, और बैठ करके कोई खाने के लिए देना, बोले नहीं मैं कुछ नहीं खाता हूँ, पूरा मैं निर्जला निराहार साधु कुछ नहीं खाता हूँ, अगर किसको पता चले भैया कि जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा है कुछ खा ही नहीं रहा क्या होगा बताओ, सारा दुनिया देखना भागेगा, सारा दुनिया वहां पर भागेगा, अगर कोई कुछ बात बोले हैं, और वो तो सब कण-कण सब जानता है, और जो बास सबको देख कर बोल देता है तेरे पत्नी का नाम ये, तुम्हारे घर में ये दिक्कत है, तुम्हारी ये हो रहा है, अगर बोल दिया लग गया ना, बोले भैया ये तो पक्का साधु है, ये तो सारा दुनिया बात जानता है, जानता है ना द्वारका सारे बात जानता है, जब एक एक बात बोले भैया किया एक साधु आया सब कुछ तुम्हारी भविष्य बाद में अभी वर्तमान सब बात बता देता है, बड़ा तेजस्वी कुछ खाता है नहीं, सारा दुनिया वहां पर भले दर्शन करने के लिए दाव भाई भैया भी गए वहां पर, सबके सब गए, इतने में बोले देखो जिस समय सुभद्रा अपना सखियों के साथ में वो जाएगी स्नान करने के लिए नदी में, उसी समय तो अपना बास सुभद्रा को बैठा करके है, सुभद्रा को रथ में बैठा करके बास तुम इसको अपहरण कर लेगा, और अर्जुन ने एकदम ठीक वैसे ही कर दिया है, और सुभद्रा बहुत अर्जुन तो सर्वश्रेष्ठ कांडे में था, सुंदर था देखने में, कृष्ण का कुछ अंश अर्जुन में, कृष्ण का कुछ अंश अर्जुन बहुत सुंदर अर्जुन थे, इसलिए तो पहले सुभद्रा अर्जुन को ही चाह रहे थी शादी करने के लिए है, लेकिन दाव भैया का बात है, इतने में जब गए स्नान करने के लिए उन्होंने वास बैठा दिया, कहाँ पर खुद तो युद्ध करने के लिए खड़े हो गए, और सुभद्रा जी को घोड़ा का जो लगाम पकड़वा दिया, बोले ले चलो पूरा भगा करके ले जाओ, इतने में किसी ने आकर के श्री बोल दिया बलदेव प्रभु को, बोला सुने हो, बोले क्या सुने हो, बोले वो जो साधु था ना वो साधु नहीं वो अर्जुन है, वो साधु नहीं वो अर्जुन है, वो तो सुभद्रा को ले जा रहे, बोले क्या हमारे राज्य में आकर के वो अर्जुन था साधु नहीं था, बोले हाँ, बोले तो सुभद्रा को भगा के ले जा रहे, इतने में उनने कैसे कैसे हो जाएगा, अपने बात कर चुके हैं ना, कृष्ण को पास में आए लेकिन सारे काम कराए कृष्ण
नहीं बात को, बोले क्या बात, बोले मैंने सुना ऐसे ऐसे भगाती हुए ले जा रहे अर्जुन। इतने में कृष्ण ने कहा मेरे पास में भी तो खबर आ गया, मैंने भी सुना, मैंने तक अर्जुन भगाते हुए नहीं ले जा रहे, उसको तो सुभद्रा रथ को पकड़ी सुभद्रा, मैंने देखा अर्जुन सुभद्रा को अपहरण नहीं, सुभद्रा अर्जुन को अपहरण कर रहा। जाकर देखो बलदेव रो समझ गए कन्हैया ये सारे यही करवाया है, यही करवाया। कृष्ण ने कहा देखो जब सुभद्रा जी के मन में अर्जुन बैठा हुआ है, किसका मन की विरोध अगर शादी करोगे ये थोड़ी सही है, जिसको प्रेम करते हैं हमारे क्षत्रिय धर्म। जब मैंने रुक्मिणी को हरण किया, रुक्मिणी को हरण किया, आप तो साथ दिए थे कि नहीं, बोले हाँ मैंने साथ दिया था, बोले यहाँ पर तो सुभद्रा कृष्ण अर्जुन को हरण कर रहा है, बोले तुमने सारी गड़बड़ किया, जाओ उनको बुला करके ले आओ और अच्छे तरह से शादी कराओ। बोले कृष्ण कितने दोस्त और अर्जुन इतने प्यारे दोस्त है, अपना बहेली को शादी कराया तो किससे करवाया, उन्हें अर्जुन से कराया, उनकी साले बने गए, इसलिए कहते सख्य में श्री अर्जुन है। आत्मनिवेदन में कौन है, आत्मनिवेदन में श्री बलि महाराज, उन्होंने जो आत्मनिवेदन किया है सर्वस्व ठाकुर के लिए सर्वस्व उन्होंने दे दिया, पूरा राज्यपाल उन्होंने सर्वस्व, इतने दान किसने किसने नहीं किया है। अगर आप कहीं दान करेंगे ना, कितने दान करेंगे हम, जितने कमाते हैं उसको कुछ परसेंट हम दान करेंगे, कुछ परसेंट हम दान करेंगे, लेकिन बलि महाराज ने राज्य पूरा समेत दान दे दिया। इतने में गुरुजी अगर उसमें विरोध किया, गुरुजी को पता चला शुक्राचार्य को कि स्वयं भगवान आए, ये तीन पग नहीं त्रिभुवन राज्य ले जाए, उन्होंने समझाया गुरुजी, तो देखो ऐसे दान को श्रेष्ठ दान नहीं मानी जाती है, जो कि सब कुछ तो दे दोगे, अरे अपना बीवी बच्चे है ना, घर संसार है कि नहीं, उनके लिए थोड़ा बहुत रखोगे कि नहीं। दान नियम है एक चौथाई दान करो, चार भाग का एक चौथाई दान करो, तो पूरा के पूरा नहीं, पूरा के पूरा दो कर खुद को दे दो, ऐसे भी दान होता है, अरे अपना संसार पलने के लिए बीवी बच्चों के लिए तो कुछ रखा करो। लेकिन बलि महाराज जी क्या बोले, जानते कि भगवान स्वयं बोले मेरे दोनों हाथ में लड्डू, किसका एक हाथ में लड्डू होता है, मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लग गए, आप स्वयं बता रहे हो ये त्रिभुवन का मालिक ये ठाकुर जी है, और भगवान मेरे पास में वो इच्छा करने पर सब कुछ ले सकते थे, सब कुछ ले सकते थे इच्छा करने पर, लेकिन वो स्वयं मेरे पास मांगने के लिए आए। मेरे जैसे दानी होगा कोई, बताओ कोई दानी इतना बड़ा होगा जो ठाकुर को भी स्वयं, जिसको पास में सारा दुनिया हाथ फैलाता है, वो ठाकुर जी स्वयं मेरे हाथ में हाथ फैलाने के लिए ठाकुर जी आए। अब स्वयं कहते हो गुरु जी का काम क्या है, गुरु जी का काम यही है अखंड मंडलाधारम व्याप्त जैन चराचर तत्पद दर्शितम जैन तस्मै श्री, ये गुरु का काम है, जो कण कण में जो व्याप्त भगवान है उनकी चरण को जो दर्शना करा दी गुरु जी का काम। और तू ऐसे गुरु हो के तो भगवान कह रहे मेरे को दान को, आप फिर भगवान को दान ही मत दो, ये कोई गुरु जी है कोई, ये कोई गुरु जी का लक्षण है, कहते मैं तो जरूर दूंगा, बोले मैं गुरु जी मेरा बात नहीं सुनोगे, बोले ऐसे कौन भैया गुरु जी जो कहे ठाकुर को मत ही दो, बोले भैया ऐसे गुरु जी की जरूरत नहीं। इसलिए उसने भगवत प्राप्ति के लिए देने के लिए उन्होंने दान आत्मसमर्पण करने के लिए गुरु जी को भी उन्होंने त्याग दे दिया, इसलिए इनका नाम आत्मनिवेदन में, इनका नाम आत्मनिवेदन में इनका नाम आता है संपूर्ण रूप में। बोले प्रभु पत्नी भी आ गई, इतने में पत्नी आकर के जब उन्होंने दो पग दिए, तीन पग रखने के लिए स्थान नहीं, उन्होंने बुलाया गौरव जी को, बोले इसको नाग पास बंधन में बांध दो, तो अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे तो सोचने पड़ेंगे, फिर क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इतने में पत्नी ने बोला, बोले बोलो ना हमारा सर अभी बाकी है ना, मेरे सर के ऊपर रखो, बोले भैया ये सही पत्नी है, इसलिए बोले एक है धन पत्नी और एक धर्म पत्नी, क्या है एक धन पत्नी और एक धर्म पत्नी। बोले धन पत्नी किसको कहते हैं, जब धन पास में हो आए धन नहीं हो तो भाग जाए, और धर्म पत्नी किसको कहते हैं, कहते विपत्ति में आपत्ति में हर समय जो पति की साथ देते रहे, धर्म में हर समय जो पति की साथ देते रहे, वो धर्म पत्नी बोले सही पत्नी है।
बोले प्रभु बोले दान बढ़ाना दानी बढ़ा बोले दानी बढ़ा आपके तो बोले दान ही है दानी दानी तो अभी स्वयं बाकी बोले कहाँ रखे बोले बोले सर पर रखो उनकी सर पर रखे सारे देवता प्रसन्न हो गए देखो कैसे ठाकुर जी को सर्वस्व दे दिया बोले श्री बलि महाराज की जय बोले श्री बामन भगवान की जय देखो हमने कितने कथा की उनसे नवदीप धाम की महिमा है नवदीप धाम की ये महिमा है हैं क्योंकि जो नवदीप जो धाम है ये नवदीप है ये नवदीप है जैसे एक जो भक्ति का अंग हम लोगों ने श्रवण किया एक भक्ति का अंग हमने श्रवण किया है कि जब एक एक धाम में नवदीप धाम में नवदीप वहां पर वहां जब जाओगे देखो नवदीप है जब वहां पर कौल दीप ऋतु दीप मधुद्रव दीप है इसलिए वहां पर अलग अलग दीप है जब वो दीप में जाएंगे जब एक दीप में जाएंगे एक भक्ति का अंग का जो फल हमें प्राप्त हो जाएगा जब और एक दीप में जाएंगे वो भक्ति का अंग हमें प्राप्त हो जाएगा जब और एक दीप में जाएंगे और एक भक्ति का अंग जागरण हो जाएगा हमारे जो नव दीप में जाएंगे एक एक भक्ति का अंग स्वरूप वो दीप है इसलिए वहां जाने पर बस वो अपने आप श्रवण का भक्ति कीर्तन का भक्ति पाद श्रवण का भक्ति अर्चन का भक्ति आत्म निवेदन का भक्ति एक दीप में जाओगे तो एक भक्ति पूरी हो जाएगी एक दीप में जाओगे तो भक्ति का अंग पूरी हो जाएगी हैं इसलिए ये जो नवदीप धाम नहीं कहते ये नवदीप है और अध्याय मतलब होता है यहाँ पर कहते हैं एक भक्ति अगर निष्ठा पूर्वक को याचन करे अब भगवत भगवत प्राप्ति हो जाए एक अगर नवदीप धाम का परिक्रमा करे तो फिर क्या होगा पूरा का पूरा नवदीप भक्ति नौ जो भक्ति पूर्ण रूप में आपकी प्राप्ति हो जाए नवदीप धाम को परिक्रमा करने के लिए और ये नवदीप धाम आया कहाँ से बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम जब भगवान आते ही पूरा धाम और परिक्रम पूरा वहां से स्वतः दीप अपना दिव्य धाम से जगत में इसी जगत में उतार देते हैं इसलिए जो नवदीप धाम को जो परिक्रमा शंकर जी पार्वती को ये बात कहते पार्वती पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ को करोड़ों करोड़ों बार कोई परिक्रमा करते पृथ्वी लेकिन एक बार श्री नवदीप धाम में जो परिक्रमा करते हैं उसके करोड़ गुण ज्यादा फल मिलता है शंकर जी कहते पार्वती ये बात लोगों को विश्वास होना बड़ा कठिन शंकर जी कहते पार्वती ये कलयुग आने पर दूसरे दूसरे जो धाम का जो महिमा धीरे धीरे घटते घट जाएगी दूसरे से धाम की महिमा घटते घट जाएगी लेकिन नवदीप धाम की महिमा बढ़ते बढ़ते जाएगी ये बढ़ते बढ़ते जाएगी नवदीप कौन कौन गए परिक्रमा लगा कौन कौन गए आप पहले गए ना आप देखना जितने लोग वहाँ भीड़ देखते हो किसी धाम में देखोगे जैसे हमारी देखना हमारे परिक्रमा में कितने लोग आप स्वयं देखे होंगे आप देखना जब दो परिक्रमा टकरा जाता है ना निकलने की जगह भी नहीं एक बार तो मैं इतनी तरह से बुरी तरह से फंस गया उसमें वहां पर टली पड़ी साइकिल खड़ी थी मैं तो सब पर प्राणी चला जाएगा मैं तो इतने जोर जबर दोनों परिक्रमा आ गई वहां पर कहां पर जो महाप्रभु का जन्म स्थान है हम लोग निकल रहे थे और इस्कॉन का परिक्रमा आ रहे थे एक दोनों टकराया मैं तो किसी तरह से कंधे पर हाथ देकर छलांग लगाकर जिसके प्राण बचा कर निकल गया और पिछली बार उसको दो साल पहले पिछली बार ऐसे फंस गया जब गंगा पार उस नाव में एक साथ में कितना लोग बैठते और नाव में बैठने से बाहर होकर चले जाते हैं गंगा पार होते हैं लेकिन जो जिस रास्ता में जाते हैं मैं था और श्रीराम था लेकिन इस बार परिव्राज महाराज थे महाराज हम कैसे जाएंगे थोड़े से वृद्ध हो गए थोड़े हम मदद करते हम मदद क्या करेंगे हम कैसे फंसे हम दोनों कैसे फंसे दो तीन कैसे फंस गए श्रीकार कैसे फंस गए एक वहां पर बांस था मैं तो वहीं पर अटक गया और मेरा पैर टूट रहा था मेरा पैर टूट ही जा रहा था उसका भी
मेरा जितने कपड़ा था ना सब फट फूट गया, सारे का सारे मेरे कपड़े सारे फट गया, हाँ नीचे का सारे कपड़ा फट गया, फिर उसका चादर था वो चादर किसी तरह से पहन करके मेरे घर में आया, मतलब वहाँ पर इतने गंदा बाहर दूसरे समय तक कुछ दिक्कत नहीं, वो इसलिए मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ, धीरे धीरे जाएगी थोड़ा चली जाएगी, हम पाइप के ऊपर कूदना पड़ा था, बीच में हम कैसे फंस गया, मतलब वहाँ पर जो लोग का देखोगे ना आप देखोगे जैसे समुद्र जैसे, हाँ समुद्र जैसे पता नहीं कहाँ से कितने लोग, जब एक जब परिक्रमा पहुंच गया परिक्रमा तक, लेकिन अभी भी मंदिर से लोग निकलते हैं, मंदिर से लोग निकलते हैं, आप लोग गए थे देखे नहीं, इसलिए इतने लोग कहीं नहीं देखे, हाँ वहां पर जाते हैं ना प्रेमचंद लोग का जो पत्नी थी, हाँ जब पहला बार आए तो कहाँ भी आई प्रेमचंद पत्नी, जब वहाँ पहला बार आए तो प्रेमचंद धोती लेने लगा दिया, गले में कंठी और माला लेकर, तो उन्होंने पूरा कोई लाभ नहीं, माला लेकर बीच बाजार में जाकर उनके पत्नी को बड़े ने गिर गई, तो ये क्या सस्ती लग कंठी और माला लगा दी, हाँ हमारे जीत पर वो तो गाली देने लगी, मैंने हमारे सब घर से नहीं सब निकल गया कंठी सब किया माला लेकर दिन भर हमारा कोई इज्जत बिज्जत है, हाँ ऐसे बोले को, लेकिन जब एक बार नवदीप परिक्रमा मेरी पत्नी को देखा, हे भगवान यहाँ विदेशी देशी अंग्रेजी सबके सब तिलक, राजा राजा लोग तिलक हरी बोल करती माला सबके सब हरी बोल तिलक माला कर रहे, वो दही से देखते रहते तो क्या है यहाँ सारे सब साधु ही साधु हैं, बस एक बार गई ना पूरा बदल गई, एक बार गई तो पूरा बदल गई, हैं तब से फिर तो खुद तिलक लगाने लग गई, गले में कंठी पहन ली, महाप्रभु धाम में ना कहते वो धाम इतने जैसे महाप्रभु बड़े दयालु, महाप्रभु बड़े दयालु वो धाम जी वैसे दयालु बड़े दयालु धाम, इसलिए देखो अभी हम लोग 5-7-8 दिन रहूंगा रोज रोज महाप्रभु की कथा सुनेंगे, नवद्वीप धाम में कौन सा स्थान है, कहाँ जाने पर क्या फल मिलता है, महाप्रभु कहाँ कहाँ पर गए, कैसे कैसे विदा की, केवल हम लोग 7-8-9 दिन तक केवल हम महाप्रभु का कथा और नवद्वीप धाम की केवल कथा सुनेंगे, ठीक है, फिर आपके हृदय में विभावना आएगी, परिक्रमा की कथा अगर यहाँ सुन कर जो जा रहे हैं तो पूरा फल मिलेगा, लेकिन कम से कम जो यहाँ पर कथा सुन करके कुछ कुछ फल आपको यहाँ मिल जाएगी यहाँ पर बैठ करके, ठीक है, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरी जय, श्रीमद महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, अद्वैत आचार्य की जय, गौर हरी की जय, गौर प्रभु, कल है बहुत बढ़िया दिन, अभी हम कुछ दिन रहेंगे तो अच्छी अच्छी तिथि आएगी, कल से अद्वैत आचार्य प्रभु का जन्मतिथि है, अद्वैत आचार्य कौन है, ये महाविष्णु, महाविष्णु जैसे कृष्णा कृष्ण जन्म का तिथि हम व्रत रखते हैं ना, कृष्ण जैसे रात 12 बजे जन्म हुए उसके बाद में फलाहार करते हैं, जैसे श्री राम दिन 12 बजे जन्म हुए उसके बाद में फलाहार करते हैं, अद्वैत आचार्य कौन है, श्री महाविष्णु स्वयं सदाशिव, कल उनकी जन्म है, इसलिए जैसे एकादश करने व्रत रखते हैं ना ऐसे ही आप लोग दोपहर तक कुछ खाना नहीं, कोशिश करना नहीं खाने के लिए, उसके बाद में फिर अद्वैत आचार्य प्रभु हम ये करते हैं उनका अभिषेक करते हैं, फिर उनको चरणाम लेते हैं, ले करके फिर हम लोग व्रत खोलते हैं, फिर एकादश करने जैसे फलाहार करते उस दिन कल करना, जो परसों टाइगी से व्रत खोल लेना मैं बता दूंगा, कल आप लोग जब आओगे शाम को फिर हमसे अद्वैत आचार्य कथा सुनोगे, क्योंकि इन्हीं की कृपा से महाप्रभु आए, अगर ये नहीं आते हैं ना महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में नहीं मिलते, इन्हीं कृपा से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए, कैसे आए क्यों आए क्या 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 कल हमें सब बता दो, शाम का समय में सुनेंगे, और सारे भक्तों को बुला लेना, ठीक है, भक्तों को बुला लेना कल यहाँ पर शाम को अद्वैत आचार्य, फिर नित्यानंद प्रभु का तिथि कितना तारीख को, 17 को 16 को 81 हम लोग जो नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं जो सब सभी बलदेव प्रभु हैं, ये बलदेव प्रभु इसी इस बार 2 तारीख आएगा, मैं कल बता हुआ ही बात को, फिर होगा तो दोपहर में नित्यानंद प्रभु आए होगा, तो यहाँ पर दोपहर में सब भक्तों को यहीं पर बुला लेंगे, और यहीं पर नित्यानंद प्रभु कथा सुनकर यहीं पर प्रसाद होगा तो यहीं पर व्यवस्था करेंगे, ठीक है, उस दिन भी फलाहार की जैसे एकादश की जैसे है वो दो मिलकर एक दिन हो रहा है, एक दिन एकादशी और नित्यानंद त्रयोदशी एक साथ दोनों हो जाए एकादश जैसे, ठीक है, ठीक है, अभी हम लोगों ना एक घर में प्रोग्राम में जाना टाइम हो गया, अभी एक घर में अभी कीर्तन के लिए हम जा रहे हैं, इसलिए जल्दी आज कर दिया, कल और थोड़ी ज़्यादा कथा सुनेंगे, ठीक है,
बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।